नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज देश में अचानक दोपहर होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये खबर बहुत छोटी नहीं थी, हालांकि उन लोगों के लिए छोटी थी जो विशुद्ध रूप से सिर्फ राजनीति करते हैं और देश और दुनिया से उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज कंगना रनौत की। आज कंगना रनौत को, जो फिल्मी हीरोइन है और अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हैं मंडी से, तो कंगना रनौत को आज जिस तरीके से थप्पड़ मार दिया गया, उनके साथ जिस तरीके से ये बदसलूकी की गई, सचमुच बेहद शर्मनाक थी। शर्मनाक तो थी ही, साथ ही आज जो कि देश के हर एयरपोर्ट और हर रेलवे स्टेशन और बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं वहां पर सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली जो सुरक्षा एजेंसी सबसे मजबूत जो कही जाती है CISF, उसकी भी आज पूरे क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंगना रनौत को जो आज थप्पड़ लगा है, उसने आज इंदिरा गांधी हत्याकांड की याद दिला दी है। इंदिरा गांधी हत्याकांड भी, इसकी सिमिलरिटी क्या है हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आज शाम को दोपहर में कंगना रनौत दिल्ली में मीटिंग के अंदर शामिल होने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्लेन अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान उन्हें CISF की एक महिला कर्मचारी, महिला कांस्टेबल, उसने उनके चेहरे पर चाटा मारने की कोशिश की, चाटा मारा, और साथ में जब उस लड़की से उसको गिरफ्तार कर लिया लोगों ने, वहाँ पर CISF में जो दूसरी बटालियन थी, जो लोग थे, उन्होंने जब उसको पकड़ लिया कंगना रनौत की शिकायत पर, तो उसने बयान देते हुए बहुत साफ कहा कि आपने किसान आंदोलन पर जिस तरीके से टिप्पणी की थी उससे नाराज हूँ। आपने कहा था 100-100 रुपए इसमें बैठती हैं, मेरी माँ भी वहाँ पर बैठी थी किसान आंदोलन के लिए के अंदर, इसलिए वो नाराज थी और उसने चाटा मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बड़ी जो बड़ी गनीमत ये रही कि इस महिला CISF की महिला कांस्टेबल के पास कोई वेपन नहीं था, अदरवाइज हो सकता था ये एक बड़ी वारदात हो जाती और आज पूरा देश एक बदनामी की ऐसी चादर में एक बार फिर से लिपट जाता जिसके दाग धोते धोते ना जाने कितना समय लग जाता। और सबसे बड़ी बात थी कि जो CISF जैसी एक बहुत बड़ी सुरक्षा एजेंसी हमारे पास है, उस पर कितना बड़ा दाग लग जाता है, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात थी। तो CISF की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने बिल्कुल, आप समझिए, इतनी उनके चेहरे पर किसी तरीके के कोई मलाल नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई हया नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था, जिस तरीके से उसने बयान दिया ये भी अपने आप में बड़ा शर्मनाक था। अब हम आपको बता रहे थे कि इसने इंदिरा गांधी हत्याकांड की याद दिला दी। जी हाँ, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इंदिरा गांधी हत्याकांड के टाइम पर, वो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, उनके बारे में हम बताते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को जिस वक्त श्रीमती, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आवास सफदरजंग रोड से अपने कार्यालय के लिए निकल रही थी, उसी वक्त दो पंजाब के दो जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके अंगरक्षक थे सतवंत वेयंत सिंह और सतवंत सिंह, उन्होंने अपनी कार्बाइन से श्रीमती इंदिरा गांधी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। ये हत्याकांड इसलिए अंजाम दिया गया था क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, उन्होंने 1984 में भिंडरा वाले के जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर भिंडरा वाले आतंकवादी को मारने के लिए जिस तरीके का ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था, उससे बहुत बड़ी एक लहर फैल गई थी और उसी बात को लेकर एक समुदाय विशेष इस बात से नाराज था। तो इंदिरा गांधी की हत्या इसलिए की गई थी, लेकिन आज बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ, पूरा वाक्य हुआ, सचमुच बहुत शर्मनाक था। सुरक्षाकर्मी थी जैसे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह थे, इनके पास सिर्फ वेपन नहीं थे, उनके पास वेपन थे। दूसरा ये कि इनकी जो ड्यूटी थी वो ऐसी जगह पर लगाई गई थी जहां पर के
पंजाब की ये कुलविंदर कौर को यहां पर डेप्यूट किया गया था और इन्होंने कंगना रनौत को चाटा मारा जिस तरीके से ये सारा वाक्या हुआ। अगर खुदा ना खास्ता इनके पास वेपन होता तो शायद ये आज कंगना रनौत के साथ कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, घट सकता था। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद कई जो नेता हैं उनके भी बड़े शर्मनाक बयान आए। शर्मनाक बयान आप देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह का शर्मनाक बयान आया। संजय सिंह ने हालांकि ये कहा कि यह बड़ा गलत था, यह बड़ा ऐसा था, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया, संजय सिंह अपने पूरे बयान के अंदर इस तरीके की बात कहते नजर आए जैसे कहीं ना कहीं इंटरनली वो इस वाक्य को, इस कांड को सपोर्ट कर रहे थे। तो आप देखिए संजय सिंह का बयान आया। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, ये आतंकवादी कनेक्शन हो सकता है, ये खालिस्तानी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि खालिस्तानी जिस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आने के बाद खालिस्तानी जिस तरीके से सर उठा रहे हैं और अपने सर उठाने में कामयाब भी हो रहे हैं, ये अपने आप में जो पंजाब सरकार है उसकी साजिश, उसकी मिलीभगत की तरफ इशारा करते हैं। तो जो देश की जो प्रधानमंत्री अभी तीसरी बार शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी ये गुजारिश है कि सुरक्षा तंत्र को पंजाब के अंदर और मजबूत किया जाए, और अगर केजरीवाल का कोई भी आदमी इसमें शामिल दिखाई दे या साजिश में शामिल हो तो उसको जरूर लपेटा जाए, उसको जरूर उसकी असली जगह पर पहुंचाया जाए। देखिए पंजाब के अंदर ये पहली बार है। हम कोट करते हैं कुमार विश्वास को, अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त साथी कुमार विश्वास को हम अपने इस सारी खबर के अंदर कोट करते हैं बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से जिस तरीके से वहां पर मीटिंग करने की कोशिश की थी, इसी बात को लेके कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ी थी और उनको पार्टी ने छोड़ा था। तो ये कनेक्शन। दूसरा, गुरपतवंत सिंह पन्नू के उस वीडियो को भी कोट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 133 करोड़ रुपया गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस चलाते हैं, आतंकवादी संगठन जो पंजाब के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा सक्रिय है, पंजाब कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी बहुत सक्रिय है ये संगठन, इसके लंदन में भी बहुत सक्रिय है। इसके अलावा जो गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनको भी कोट करते हैं, पंजाब में बहुत एक्टिव है इनका संगठन सिख फॉर जस्टिस। इसके अलावा एक और बात देखिए, ये पहला वाक्या है, पहली बार है कि अमृतपाल सिंह जो तथाकथित आतंकवादी है और डिब्रूगढ़ जेल में उसको बंद करके रखा गया है, उसको वो पंजाब के खंडूर साहिब से चुनाव लड़ता है बाकायदा और चुनाव जीत जाता है। यानी कि आप समझिए, आखिर उसको चुनाव लड़ाने में और चुनाव जितवाने में, लड़ने में उसने कानून की पेचीदगियों का सहारा लिया और हमारे कानून की बारीकियों को समझकर उसने चुनाव का पर्चा भरा, लेकिन उसको आखिर जेल के अंदर से चुनाव जितवाने में इंटरनली मदद किसने की, इस बात का भी पता लगाया जाना चाहिए। और यही कारण है कि आज चंडीगढ़ के अंदर, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, चंडीगढ़ के अंदर आज एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को चाटा मार दिया जाता है और जो सीआईएसएफ की महिला है वो साफ साफ बिना किसी झिझक के ये कहती हुई दिखाई देती है कि ये इसने कहा था कि वहां पर जो किसान आंदोलन में जो महिलाएं बैठती है 100-100 रुपए लेकर बैठती है, इसलिए मैं इनको चाटा मार रही। बेहद शर्मनाक पहलू था ये, लेकिन हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं पंजाब के अंदर अगले चुनावों के अंदर इस महिला को आम आदमी पार्टी टिकट देगी, यही महिला लड़ेगी। ऐसा ही करते आए हैं आज तक आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी की ये स्ट्रैटेजी रही है। आपको याद होगा जर्नैल सिंह ने जिस तरीके से पी चिदंबरम को जूता फेंक कर मारा था, बाद में वो एमएलए बने। ऐसे कई मामले हैं जिनमें के आम आदमी पार्टी के लोगों ने इस तरीके की हरकत की और बाद में वो उनको टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया और जीत के भी आए। तो ये जो पूरा मामला है आप समझिए किस ओर इशारा करता है, और सबसे पहले किस पार्टी के नेता का बयान आया, यानी कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का बयान आया, इसके बाद जो उद्धव ठाकरे की सांसद हैं
और पहले पहले कांग्रेस में हुआ करती थी ये प्रियंका चतुर्वेदी, ये जो चतुर्वेदी हैं प्रियंका, इन्होंने भी आज एक्स पोस्ट पर कुछ इस तरीके का बयान दिया है जो बेहद शर्मनाक है। चतुर्वेदी जी, किसी दिन आप भी किसी के साथ इसी तरीके से, आपके साथ भी ऐसी हरकत हो सकती है। तो उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन को इन्होंने विरोध किया था, इसलिए बीजेपी का टिकट इनको मिला था, यानी कि किसान आंदोलन के विरोध पर बीजेपी का टिकट मिला था। मैडम आपको याद होगा कि इन्होंने उद्धव ठाकरे को भी बहुत विरोध किया और बड़ा जलील भी किया था, हो सकता है ये भी बता देती कि इस पर भी टिकट मिला होगा, लेकिन आप शायद ऐसा नहीं बताएंगी। आप समझिए, क्योंकि आप जिस वक्त कांग्रेस से अलग हुई थी तो कांग्रेस पर भी आपने बड़े घृणित आरोप लगाए थे, और जब आपने पुरानी, आप कांग्रेस की नेता थी और आपने कांग्रेस को छोड़ा था, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज जो CISF बेहद बेहद मजबूत संगठन है, बहुत मजबूत सुरक्षा एजेंसी है और बहुत क्रेडिबिलिटी है CISF की, आज एक बड़ा दाग CISF पे लगा। तो इससे CISF को भी शायद ये सीख लेनी चाहिए कि उनके यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं, और खास तौर पे वो भी जिनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, उनकी बाकायदा इंटेलिजेंस जो खबरें हैं, जानकारियां हैं, वो भी जुटाई जानी चाहिए और उनको ऐसी जगह पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, कंगना रनौत के साथ जो हुआ बेहद शर्मनाक था, और किसी भी नेता के साथ अगर ऐसा होता है, हम बहुत शर्म की बात इस बात को समझते हैं। आप राजनीति कीजिए, लेकिन ऐसी घृणित राजनीति बिल्कुल मत कीजिए जो कभी अरविंद केजरीवाल ने शुरू कराई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल आज अपनी उसको पाप को भुगत रहे, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, और उनके बाकी सभी नेता जो जो ऐसी साजिशों में शामिल थे वो तिहाड़ जेल में है, या तो हैं या जाने वाले हैं या होकर आ चुके हैं और फिर जाने वाले हैं। तो बहुत शर्मनाक था ये, लेकिन सबसे शर्मनाक था कि कंगना रनौत के साथ इस तरीके से एक फोर्स की किसी कांस्टेबल ने ये किया। याद दिला दी इंदिरा गांधी हत्याकांड 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:30 बजे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबा के हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक आपसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है, अगर आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कितना आपको बता पाते हैं हम, किस तरीके की चीज़ें आपको बता पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ आपको अच्छा बता पाते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं और आपकी राय को अपनी खबरों में भी आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।